तो ये लो भाई, ये हमारा ट्रैक। ट्रैक तो मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टेंस है। और इस जगह का नाम है जॉलिंग कॉन्ग, है ना? बड़ा अलग सा नाम है, आप लोग सोच रहे हो इस जगह का। सबसे पहला मेरा मेन टास्क यहाँ पे ये है, इस हेलमेट को ठिकाने लगाना, कहने का मतलब इस हेलमेट को कहीं रखना और चाय पीना। तो एक पीछे रेस्टोरेंट था, वहाँ तो चाय थी नहीं। उन लोगों ने कहा आगे एक गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको चाय मिल जाएगी। बाकी देखते हैं यहाँ पे चाय मिलती है नहीं मिलती है। तो भाई अनुदा की लोकल्स जो यहाँ पे हैं, हमारे भाई लोग, उनसे वार्तालाप चल रही है। मैंने सोचा तब तक चाय पी लूँ, अनुदा तो चाय पीते हैं नहीं। ये हमारे यहाँ के भाई लोग हैं जो यहाँ के लोकल्स हैं, तो अनुदा की इनसे बहुत घोर वार्तालाप हो रही है, बहुत गहन वार्तालाप हो रही है। अनुदा पता नहीं क्या क्या पूछने में लगे हैं, तो मैंने सोचा अनुदा को थोड़ी देर अकेला छोड़ दिया जाए, और क्या कह सकते हैं। लो भाई, तो चाय वगैरह पीने के बाद अब हम निकल चुके हैं ट्रैक के लिए। भाई यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, धूप आ रखी है, और अभी हमें जाना है उधर पीछे की तरफ। तो चलें फिर, चलते हैं। आपको जो रास्ते में नज़ारे हमें देखते रहेंगे वो दिखाते रहेंगे। और वैसे तो इसका कोई हमें प्रॉपर ऐसा ट्रैक दिखा नहीं वहाँ से, पर फिर भी हम यहाँ से सीधे, हमें सामने जो जगह दिख रही, हम भाई पहाड़ वाले ऐसे ही करते हैं, सीधे सीधे चलते जाते हैं बस। तो हम सीधे सीधे चलते हुए, हमें वो रास्ता दिख रहा है ना कच्चा हुआ, उसकी सीध में चल रहे हैं, वहीं पहुँचेंगे आप सीधे। एक बार मैं आप लोगों को नज़ारा और दिखा देता हूँ। इधर का तो नज़ारा आप लोगों ने देख लिया, अभी मेरे आप पीछे की तरफ का नज़ारा देखो भाई। तो मेरे पीछे वो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है, और उधर से अब जाके हमें थोड़ा गाड़ियाँ आते हुए दिखाई दे रही हैं, एक दो इक्की दुक्की गाड़ियाँ, और ऐसा ही कुछ सीन है, शांति बहुत ज़्यादा है। सामने हमें आदि कैलाश दिख रहा है, हर हर महादेव। भाई क्या बात है, जिनके दर्शन करने आए थे वो हो ही गए भाई। एग्जैक्ट आपको मेरे इधर की तरफ दिख रहा होगा आदि कैलाश। भाई बहुत ही प्यारा नज़ारा है, और बहुत ही ज़्यादा शांति है। बहुत गिने चुने लोग गए हैं अभी हमसे आगे, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 4-5 लोग होंगे, जो शायद क्रेटा वाले थे वो लोग गए हैं हमसे थोड़ा आगे। और नज़ारा बहुत ही प्यारा है, 360 नज़ारा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो 360 नज़ारा ऐसा दिखता है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत ही शांति है। और मुझे लगा था ज़्यादा टूरिस्ट होंगे आज, पर टूरिस्ट नहीं है। जब टूरिस्ट नहीं होते ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है कसम से, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ वैसे ज़्यादा पसंद भी नहीं है। ओए होए क्या बात है, वो देखो एकदम हमारे सामने आदि कैलाश की वो पीक, क्या बात है। तो ये लो भाई, ये हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है अभी पार्वती सरोवर के लिए। और पार्वती सरोवर के दर्शन करने के बाद वापस हमें आना पड़ेगा, और वापस फिर उसके बाद हम वहाँ से एक शॉर्टकट लेंगे, वहाँ से हम सीधे जाएंगे गौरीकुंड की तरफ। और नज़ारा इस टाइप का है, यहाँ से सीधे ऊपर चढ़ाई है। इतने ऊपर हमारे अनुदय ट्रैवल कर रहे हैं, और साथ में वो देखो छोटा सा बच्चा भी ट्रैवल कर रहा है भाई, बचपन में आदि कैलाश, क्या बात है। जैसे आप वाले शॉर्टकट से ऊपर आते हो, फिर ये रोड में देगी, फिर यहाँ से फिर आपको शॉर्टकट ऐसे चढ़ जाना है। तो जीवो वाला रूट है, या आपको सीधे ले जाएगा पार्वती सरोवर की तरफ। यहाँ पे चलना अपने में एक अनुभव है, एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है मैं कहूँगा, क्योंकि बड़ी शांति है यहाँ पे, बहुत ही शांति भाई। और अनुदार है मेरे पीछे से, नज़ारा भाई बहुत प्यारा है। जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है ना, वो देख के तो और ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है कसम से। तो ये आ रहे हैं अनुदा, अनुदा के पीछे बढ़िया प्यारा सा नज़ारा। और यहाँ से जो आप रोड देख रहे हैं, यहाँ से केवल आर्मी की गाड़ियाँ जाती है, आप लोग गाड़ियाँ नहीं ला सकते, सिविलियंस गाड़ियाँ नॉट अलाउड। एंड ये शॉर्टकट जा रहा है सीधे ऐसे ऊपर, फिर आगे जिगजैग जिगजैग, फिर ऊपर की तरफ। ये आ रहे हैं हमारे अनुदा। यहाँ पे हवा जो है थोड़ी तेज़ हो चुकी है, और जैसे हम यहाँ पे पहुँचे तो आपको जो सामने ये दिख रहा है, ये जो आपको धान की खेती दिख रही है, ये कहा जाता है कि ये भीम की धान की खेती है। ये अपने आप उगती है, अपने आप क्या बोलते हैं, ख़त्म होती है जो भी होती है, फिर वापस उग जाती है, ऐसा कुछ सीन है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से एक नज़ारा ऐसा कुछ है, ये देखो ये भीम की खेती, एग्जैक्ट इसी के सामने आदि कैलाश। तो भाई अनुदा को अनुदा को चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते अनुदा की हो गई हालत ख़राब। अनुदा देखो इधर बैठे हुए हैं आराम से, क्या कह सकता हूँ मैं,
और एग्जैक्ट मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे तो ये है भीम की धान की खेती। मैंने आपको बताया कि अपने आप उगती है, अपने आप ही ये ख़त्म होती है, ऐसा वाला सीन है। और एग्जैक्ट इसी के सामने उधर पे है आदि कैलाश, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। आपको एक बार पास से दिखा, आप लोगों को थोड़ा पास से दिखाता हूँ मैं भीम की खेती। भाई कहते तो हैं ये धान की खेती है और भाई नज़ारा बहुत ही प्यारा है। सही बताऊँ तो हम ना बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि हमें इतना क्लियर वेदर मिला यहाँ आने के लिए, क्योंकि मैंने लोगों के व्लॉग्स जब देखे थे, कुछ ही लोगों के गिने चुने, तो मैंने देखा जब वो लोग गए थे तो यहाँ पे कोहरा, बादल और बर्फबारी भी हो गई थी, पर हमें वेदर बहुत ही क्लियर मिला है। आप लोगों को थोड़ा पास से दिखाता हूँ ये कैसा लगता है एक बार और। तो भाई नज़ारा बहुत ही प्यारा है, यहाँ से जो खेत है ये भीम की खेती होगी, भीम जी ने कभी की होगी, सामने नज़ारा बहुत ही प्यारा है। अब चलते हैं इधर से ऊपर, इसी के पीछे की तरफ है पार्वती सरोवर। मेरे ख्याल से अनुदा अभी सेटल हो गए बढ़िया करके, अनुदा अभी चिल मोड पे वापस आ गए, चले अनुदा। तो अभी हम लोग ट्रैक करते हुए जा रहे हैं ऊपर, ये रही इधर भीम की खेती, और यहाँ से ऊपर जो ये वाला ट्रैक आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है इसी तो ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ से पीछे की तरफ है पार्वती सरोवर। इधर के नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं, और सही बताऊँ तो हवा बहुत ही ठंडी ठंडी है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी भाई कसम से। तो एग्जैक्ट हमारे पीछे है आदि कैलाश, हमारे पीछे है पार्वती सरोवर। आप लोगों को उम्मीद है मेरे पीछे की तरफ ये पार्वती सरोवर दिखाई दे रहा होगा, और अभी हमें वापस उतर के नीचे की तरफ जाना है, और फिर हमें गौरीकुंड जाने के लिए वापस ही चढ़ाई करके ऊपर आना पड़ेगा, फिर हम जाएंगे ये सामने के डायरेक्शन में। तो अभी मैं आपको एक बार नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। तो अभी हमें उतरना है यहाँ से, ऐसे ऐसे करके हम जाएंगे जिग-जैग और वो है पार्वती सरोवर, वहाँ जाते हैं, सामने मंदिर भी है, दर्शन करते हैं, आपको नज़ारे दिखाते हैं। वहाँ पर टूरिस्ट गिने चुने दिखाई दे रहे हैं, कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बस। देखो वैसे तो ये रास्ता गलत है ना, वैसे हमें आना चाहिए तो वाले रास्ते से, पर फिर भी हम वाले रास्ते से उतरेंगे, यहाँ पर टाइम ही टाइम भाई। इन दी एंड हमें आज गुंजी पहुँचना है दर्शन करने के बाद, ऐसा कोई खास लोड है नहीं, और क्या कह सकते हैं, बड़ी शांति है यहाँ पे। यहाँ पे बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई कि क्या ही कहूँ, अलग ही टाइप का फील है यहाँ पे, बहुत ही अलग, बस हवा की साउंड है यहाँ पे, हवा की साउंड है बस। तो ये लो भाई, यहाँ से ट्रैक डाउन करने के बाद हम पहुँच चुके हैं नीचे की तरफ, और यहाँ से जो पार्वती सरोवर है बहुत ही नज़दीक, बहुत ही पास है। आप लोगों को थोड़ी देर में हम नज़ारा दिखाएंगे एकदम क्लोज से, एंड यस दिस इज़ द थिंग। चलो भाई, तो ये लो भाई फाइनली हम पहुँच गए हैं पार्वती सरोवर के पास, और यहाँ से आप लोगों ने नोटिस करा होगा तो कुछ लोगों को घोड़े खच्चरों की भी ज़रूरत पड़ जाती है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता लोग आते क्यों हैं जब इतनी सी डिस्टेंस चल नहीं पाते हैं, जो दिक्कत है लोगों के साथ भाई। वो आपको पास से दिखाते हैं, ये रही एग्जैक्ट हमारे बगल में पार्वती सरोवर, और भाई यहाँ का जो पानी है ना वो जम रखा है पूरा, इसके ऊपर बिल्कुल ग्लास की एक लेयर बन रखी है, आपको पानी मूव करता हुआ भी दिखाई नहीं देगा, इधर की तरफ, उधर तो मूव कर रहे हैं, और ये वाला जो रास्ता है ये खड़ंजे वाला, ये जा रहा है सामने मंदिर की तरफ, वो सामने मंदिर है देखो। तो भाई एग्जैक्ट मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये जो है ये यहाँ का टेंपल, और एग्जैक्ट मेरे पीछे है पार्वती सरोवर, यहाँ पे इसके पीछे आदि कैलाश वाला एरिया। तो आपको मंदिर घुमाते हैं, मंदिर दिखाते हैं। तो ये लो भाई, वैसे तो प्रॉपर रास्ता ये जो आपको दिख रहा है ये है आने का मंदिर का, पर हम लोग उतर के वहाँ से आए सामने से ये, और ये रहा सामने मंदिर। तो आपको जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ये है मंदिर का परिसर, और एग्जैक्ट हमारे पीछे अगर आप नोटिस करें तो आपको देखने को मिलेगा पार्वती सरोवर, और एग्जैक्ट उसी के पीछे आप देखेंगे आदि कैलाश की जो पीक है वो है मंदिर के अंदर। वैसे कैमरा अलाउड नहीं होता इसलिए हम बाहर से रिकॉर्ड कर सकते हैं जितना कर सकते हैं, और बाकी अंदर पूजा पाठ थोड़ा करते हैं, कुछ अगरबत्तियाँ हम यहाँ जलाएंगे, कुछ अगरबत्तियाँ जो है गौरीकुंड जलाएंगे सीधे, है ना, बस इतना ही अभी। तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, मुझे पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही नहीं आ रही है गोप्रो में, पर ये है मंदिर, और मंदिर का एक बार चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, जो यहाँ का परिसर है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहा यहाँ का मेन टेंपल, जहाँ पे आपने कुछ समय पहले मोदी जी की भी फ़ोटो देखी होगी, यही वो जगह है, और ये है उसके आसपास का एरिया, बड़े बड़े पहाड़, और ये देखो पीछे की तरफ पार्वती सरोवर, बहुत ही प्यारी जगह है कसम से। ये देखो, ये देखो यहाँ से नज़ारा ऐसा लगता है, ये मंदिर, यहाँ पे त्रिशूल गड़े हुए हैं हर जगह पे आप देखेंगे, और नीचे रहा
बड़ा सा पार्वती सरोवर, बहुत ही बड़ा है भाई कसम से। तो ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है यहाँ से 360 में आपको। अगर एक बार यहाँ से स्टार्ट करके दिखाऊँ तो ये देखो, ये रहा यहाँ का 360 नज़ारा कुछ ऐसा। ये रहा मंदिर और ये देखो, तो ये था हमारे पीछे मंदिर और ये था मंदिर के नज़ारे। यहाँ से नज़ारा कुछ है ऐसा। और हाई एल्टीट्यूड की वजह से अनुदा के सर में थोड़ी सी दर्द होने लगी है मेरे ख्याल से, शायद है अनुदा ऊंचाई की वजह से है ना थोड़ा दर्द शायद सर में। हाँ, ऐसा कुछ सीन है, ऑक्सीजन की कमी है अनुदा का कहना है। लो भाई, तो हम पहुंच चुके हैं अब एकदम बेस में, पार्वती सरोवर के बिल्कुल नज़दीक, बहुत ही नज़दीक। आपको हम थोड़ा पास से नज़ारे दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो हमारे सबसे पास में जगह है उसका दिखाते हैं। वहाँ पे पानी किस तरीके से जम रखा है आपको दिखाता हूँ मैं। एकदम तो नहीं, मतलब ऊपर से तो लेयर जो दिख रही है वो जमी हुई दिख रही है, और अगर आप लोग मेरे नीचे देखो तो ज़मीन सूखी है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये देखो, मैं कोशिश करता हूँ, ये देखो देख रहे हो आप? तो ऐसे करके एक लेयर ये पानी के ऊपर जमी हुई है पूरी, ये देखो। तो पानी पूरा जम रखा है और बहुत ही ठंडा है भाई कसम से, वो देखो। अब मैं दिखाता हूँ एक बार और, रुको, ये देखो। अब मैं इसको ना, ओ रे, अब मैं देखो, अब इसको लेक के ऊपर फेंकूंगा, अब आप देखना कितनी जमी है पूरी लेक के ऊपर। ये देखो पूरा ऐसे दिख रहा है, ये देखो इतनी मोटी लेयर, देख रहे हो लेयर, देखो उसकी लेयर, देखो अब देखो इतनी मोटी है, ये देखो रेडी, ये देखो आवाज कैसी आ रही है। आप लोगों को ये नज़ारे दिखाते भाई, मेरे जो हाथ हो गए ना वो ठंडे हो गए एक्सपेरिमेंट करते। एक बार मुझे और फेंकने का मन कर रहा है, क्योंकि ये जो पानी के ऊपर आवाज है ना भाई, ऐसे स्लाइड करवाना, बड़ा मस्त लग रहा है। रुको, रेडी। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से लेक पूरी फ्रोजन लेक, एकदम जमी हुई लेक है। और मेरे जूतों में कीचड़ तो मैं नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पे आके मिट्टी कहूँगा, जो मिट्टी है पूरी चिपक गई है। और नज़ारा यहाँ से कुछ ऐसा ही, देखो ये देखो 360 नज़ारा, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है कसम से, बहुत ही बढ़िया। और हम इधर जंप मारने वाले हैं, और ये जंप मार के वहाँ बस, यहाँ तो सब जमा अनुदा साइड करो, ये देख रहे हो, इसी को रख लो मिलता अपने सर में, फिर पूरा मिट्टी मिट्टी कर दिया। ये देखो, ये देख रहे हो आप लोग, शीशा एकदम अनुदा, तुम दिख रहे हो इससे यार, शीशा दिख रहे हैं। और हम इधर फिर इधर की तरफ, जो मेरे हाथ जम रहे हैं ना इसमें डुबाने में, तुम नहीं जानते हो। बस डन आते हैं यहाँ से, ये साफ है, सही है, नीचे साफ कर दो पानी। जितनी मेहनत यहाँ करा रहे हो ना अनुदा तुम, ठंडे पानी में माँ कसम, तुम्हें ऐसा पाप लगेगा ना इसका, बता नहीं सकता मैं। फाइनली अमिता ने भर दिया है और अमिता आ चुके हैं जंप मार। एक मिनट अनुदा, एक बार और फेंक लो, मजा आ रहा है यार। इधर वाला पकड़ो, बड़ा वाला, माय गॉड, ओह इतना बड़ा, ये शीशा है। रेडी, इधर रेडी अनुदा, हाँ, 1 2 3 फिर भी देख रहे हो आप, टूटा नहीं है। तो एक बार वो लास्ट आपको 360 नज़ारा दिखा रहा हूँ भाई, वो देखो वहाँ पे सूरज चमक रहा है, यहाँ पे फ्रोजन लेक है, ये पूरा मतलब कनेक्टेड लेक है ये सारी की सारी जो है, ये पार्वती सरोवर। और लेक बहुत ही बड़ी है भाई, जहाँ तक नज़र जा रही है आपकी वो सामने तक एंड तक, वहाँ तक ये लेक। और यहाँ पे थोड़ा पानी आपको थोड़ा मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जमी नहीं है पर इधर की तरफ जमी है, और इधर की तरफ जमी है, और जो एंड वाला सिरा है उधर की तरफ तो भाई पूरी लेक जमी। तो एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं, शॉर्टकट लेते हैं, अब सीधे आपको मिलेंगे हम जो भीम की धान की खेती थी वहाँ पे, क्योंकि अभी हमको जाना है वहाँ से, फिर शॉर्टकट लेना है, फिर हम चलेंगे गौरीकुंड की तरफ। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ वापस से उस स्टॉप पे जहाँ से हमने पार्वती सरोवर जो हमारे एग्जैक्ट इधर राइट साइड में, वहाँ के लिए हमने जो ट्रैक थे स्टार्ट किया था, ये देखो इधर है पार्वती सरोवर। और अभी हम जाने वाले हैं इधर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ, चलेंगे यहाँ से, ये सामने यहाँ से भीम की खेती है धान की, यहाँ से हम लेंगे शॉर्टकट, नीचे उतरेंगे, फिर वहाँ से जो कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा है उससे होते हुए गौरीकुंड पहुँचेंगे। अनुदा का इंतज़ार कर रहा हूँ, आ गया अनुदा, और हवा बहुत ज़्यादा है। तो मंदिर दर्शन करने के बाद मैंने और अनुदा ने डिसाइड किया है कि अभी हम यहाँ पे बैठ के जो हम बिस्किट लाएँ वहाँ से वो खाएंगे, क्योंकि अभी अनुदा को भी भूख लग गई है और मेरे को भी भूख लग गई भाई, क्योंकि हमने मंदिर दर्शन तो खाली पेट कर लिया, अब समय है थोड़ा कुछ खाने का, क्योंकि इसके बाद हमें जाना है गौरीकुंड की तरफ। तो नज़ारों का आनंद लेते हुए पहले कुछ खाते हैं।
है ना। तो अभी हमने स्टार्ट कर दी नीचे की तरफ ट्रैक डाउन करना और हम लोग ये शॉर्टकट रास्ते से उतर रहे हैं यहाँ से। वैसे ऐसा कोई प्रॉपर रास्ता है नहीं, तो ये जो पीछे वाला एरिया था यहाँ से नीचे थी भीम की धान की खेती, और यहाँ से हम लोग अभी उतर रहे हैं नीचे की तरफ। यहाँ से ऐसे शॉर्टकट जाएंगे, फिर वहाँ से शॉर्टकट जाएंगे, फिर वो नीचे रास्ता दिख रहा है जो पगडंडी वाला, वहाँ से होते हुए कौरीकुंड की तरफ। ठंडा बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो गई है अब। ये रहा भाई, तो ये मैं आ गया ट्रैक डाउन करके वो ऊपर से, और अभी हमें जाना है यहाँ से सामने जाएंगे, फिर यहाँ से एक शॉर्टकट लेंगे आगे की तरफ। अनुदा अभी सामने की तरफ है उधर कहीं पे, और अब मैं भी जा रहा हूँ। जैसे ही आप टॉप पे जाते हो ना भाई, वहाँ पे जो विंड की स्पीड है ना भाई, हवा की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और आप जैसे ही नीचे आते हो वैली में थोड़ी हवा कम हो जाती है, ऊपर बहुत ज़्यादा हवा है कसम से। ये कच्चा रास्ता पकड़ते हुए अभी हम जाएंगे नीचे, फिर वहाँ से ये कच्चा रास्ता जो आपको दिख रहा है ये पकड़ते हुए पगडंडी हम सीधे जाएंगे गौरीकुंड। और हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, मुझे पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही है या नहीं आ रही है, पर कसम से ये जो हवा है ना भाई एकदम ठंडी, बहुत ही ठंडी। तो अभी हमें गौरीकुंड वाला जो रास्ता है जो ट्रैक जाता है उसमें आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल कच्ची सी पगडंडी है। यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो मुझे पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ भी रही है या नहीं आ रही है। आप लोगों को सीधे सामने दिख रहा होगा आदि कैलाश, और उसके अलावा ठंडा बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शायद एकमात्र ऐसे लोग हैं जो शायद गौरीकुंड जा रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ कुटी रुके थे लोग वहाँ भी कह रहे थे कि भाई गौरीकुंड क्या ही जाओगे, यहाँ भी लोग कह रहे थे गौरीकुंड क्या ही जाओगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई लोगों को हो क्या गया है ना, इतना सा तो गौरीकुंड का ट्रैक है भाई, इतने ऊपर आए हो आप वहाँ भी नहीं गए तो क्या किया आप लोगों ने। चलो मैं समझता हूँ किसी किसी को हो जाता है भाई, सिकनेस हो जाती है, किसी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, पर भाई जो लोग यंग हैं बिल्कुल उन लोगों के से ये एक्सपेक्टेशन यार मैं नहीं कर सकता। अनुदा तुम भी इंक्लूडेड हो, पर अनुदा आ रहे हैं ऐसा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और हवा यहाँ पे आके थोड़ी सी हल्की हल्की सी ठीक है, ऊपर ज़्यादा ठंडी हवा एंड ऐसा कुछ नहीं है। चलो फिलहाल तो चलते रहते हैं। ट्रैक पे ऊपर बढ़ते हैं, चढ़ाई धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे ऐसे करके चढ़ाई यहाँ पे बढ़ने लगती है, और एग्जिट हमारे पीछे वो लोकेशन जिसके बेस कैंप में जिसके नीचे हमें जाना है। और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही ठंडी है भाई कसम से भाई। मैं रिकॉर्ड में ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल तो ये ट्रैक जा रहा है ऊपर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। ये देखो ये सीधे ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ। तो अब एक काम करते हैं, आपको ऊपर पहुंच के दिखाते हैं, क्योंकि बैटरी ना बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रही है ठंड की वजह से। तो चलिए आपको चलते चलते आदि कैलाश के बारे में भी कुछ बताते हैं। तो जो आदि कैलाश है वो उसे शिव कैलाश, बाबा कैलाश और जोलिंगकॉन्ग पीक जैसे कई नामों से जाना जाता है। आदि कैलाश और ओम पर्वत को कैलाश पर्वत के बराबर और उनकी तरह ही पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर बारात लेकर देवी पार्वती से जब विवाह करने गए थे तो उनका पहला पड़ाव आदि कैलाश था। यह स्थान इतना सुंदर और आकर्षक था कि भगवान शिव, जिन्हें केदारनाथ यानी पर्वतों के भगवान के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें इस जगह से प्यार हो गया और उन्होंने इसे अपना दूसरा घर बना लिया। ऊंचाई बढ़ रही है, ठंडा थोड़ा और बढ़ता जा रहा है, और अभी मैंने ये जो अपना मास्क है ना ये भाई पहन लिया है, नेक वार्मर जिसे हम कहते हैं। और हम अभी ये कैलाश पर्वत है आदि कैलाश, उसके बहुत ही नज़दीक है। थोड़ी देर में हम जब याली चढ़ाई पार कर लेंगे जो आपको ऊपर दिख रही है, तो बिल्कुल हम गौरीकुंड के पास होंगे। तो आपको वहीं से आप सीधे नज़ारा दिखाएंगे। एक गोप्रो की जो बैटरी है धीरे धीरे लो हो जा रही है ठंड से, एंड रास्ते में रिकॉर्ड करने का ऐसा समय मिल नहीं रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूस चलते रहें, तो आपको सीधे वहीं पहुंच के नज़ारा दिखाते हैं। तो हम फाइनली पहुंच गए गौरीकुंड। मेरे एग्जैक्ट पीछे है गौरीकुंड का बोर्ड, आपको दिखाता हूँ। जो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है ग्रीन कलर का, उसमें लिखा है गौरीकुंड,
और हवा बहुत ज़्यादा तेज है यहाँ पे। ये है बस थोड़ा सा बचा है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहुँच ही गए, ये रहा सामने गौरीकुंड। भाई ये पूरा का पूरा जमा हुआ है अभी, हवा बहुत तेज है, बहुत ही तेज। तो फाइनली हम पहुँच गए गौरीकुंड। अनुदा पीछे बैठे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि अनुदा के लिए थोड़ा सा शायद टफ हो रहा है क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है और एग्जैक्ट मेरे इधर पीछे की तरफ है गौरीकुंड। अनुदा जाओ, अनुदा मेरे ख्याल से थोड़ा चढ़ाई पे चढ़ चढ़ के थोड़ा सा थक चुके हैं। पानी ही पानी भाई, जिधर देखो पानी, ये रहा पानी, उधर सामने इधर की तरफ है लेक गौरीकुंड और ये सामने आदि कैलाश। तो फाइनली ये थोड़ी सी जो चढ़ाई थी और फिर थोड़ी सी जो ज़्यादा चढ़ाई थी वो करने के बाद हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल जो गौरीकुंड है उसके नज़दीक। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपको मेरे एग्जैक्ट पीछे की तरफ दिखाई देगा गौरीकुंड। यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया है नहीं है कि आप लोगों को गोप्रो में मेरी जो वॉइस है वो क्लियर है नहीं है क्योंकि विंड की साउंड मेरी वॉइस से मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा आ रही हो। और एग्जैक्ट आप उसके ऊपर देखेंगे तो आपको सामने की तरफ आदि कैलाश दिखेगा जो कि भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी तक हम आदि कैलाश को देख रहे थे जिधर वो बीम की धान की खेती है वहाँ से, और एग्जैक्टली अभी यहाँ पर खड़े होना इतने पास से ये पर्वत देखना भाई, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सही बता दूँ, अंग्रेजी में भी बहुत ज़्यादा शब्द हैं, हिंदी में भी बहुत ज़्यादा शब्द हैं, पर अभी मेरे पास शब्द नहीं है भाई। अल्टीमेट कहूँगा मैं, सही बता, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब थोड़ा मैं पास से दिखाता हूँ ये किस तरीके से जमी हुई और लग कैसी है। ऊपर आके ठंड इतनी ज़्यादा है कि सही बताऊँ तो जब मैं अपना ये जो नेक वार्मर है ये जब मैं उतारता हूँ ना तो ऐसी हवा लगती है यहाँ पे, पर फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ का थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है और जो लेक है ना भाई, ये गौरीकुंड पूरी जम चुकी है। एग्जैक्ट मेरे आप लोग पीछे देखोगे तो पूरी वाइट सी एक चादर जैसी बिछ गई है भाई, पूरी जम गई है, पूरी की पूरी। मैं दिखाता हूँ क्लोज से, ये देखो ये है आपका गौरीकुंड, ये पूरी की पूरी जम चुकी है पूरी। और एग्जैक्ट इसके सामने है आदि कैलाश, बहुत ही ज़्यादा भाई ये जम चुकी है। उधर वाले सेक्शन में थोड़ा पानी दिख रहा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ एक बार, इसमें पत्थर लेके दिखाता हूँ। एक पत्थर फेंक दिया तो ये देखो, मैं अगर पत्थर फेंकूंगा ना तो आप लोगों को अंदाजा आएगा। देखो वो देखो वो सामने पत्थर वहीं पर अटक गया। भाई यहाँ पे खड़े होना ना अपने में एक टास्क है क्योंकि यहाँ पे जो ठंडी हवा चल रही है ना कसम से अभी मैं पूरा ठंडा हो चुका हूँ, पर मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे भटक रहा हूँ इधर उधर, जितनी ये लोकेशन है उस पर मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा नज़ारा है भाई, अब मैं दिखाता हूँ, ये देखो क्या बढ़िया नज़ारा है, 360 देखो आप लोग, क्या ही अल्टीमेट नज़ारा है भाई। क्या बात है भाई, इतने टॉप तक पहुँचना यहाँ पे ना भाई थोड़ा सा चैलेंजिंग है, पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अगर आप लोग गौरीकुंड का ये वाला हिस्सा देखें तो ये वाला बिल्कुल फ्रोजन है, बिल्कुल जम चुका है ये वाला। और यहाँ से अगर आधी साइड आप लोग मतलब इधर की तरफ आ जाओ तो ये वाले हिस्से में आपको पानी दिखाई दे रहा है जो कि अभी चलता पानी है, मैं ये कह सकता हूँ। ये वाला पानी जमा नहीं है, ये वाला पानी जम चुका है। और वो सामने भाई महादेव, भाई हर हर महादेव, क्या ही बात है भाई, इतने पास आके यहाँ देखना ना इस लोकेशन को भाई अपने में, अल्टीमेट भाई। अच्छा आपको ना मैं एक चीज़ सुनाता हूँ और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो बर्फ़ जमी हुई ना उससे जब ये जो पानी है ना ये वाला जब ऐसे करके लहरा के आ रहा है, जो इसकी लहरें आ रही हैं तब एक अलग ही साउंड आ रही है जो कि ऐसा लग रहा है जैसे कांच से जब पानी टकराता है ना वैसा वाला साउंड। मैं आपको दिखाता हूँ ये जो नज़ारा है और वो पानी की जो साउंड है, देखो। तो ये देखो ये वाला पानी पूरा इधर से ऐसे करके आ रहा है ना, तो ये वाला सीन देखो पूरा जमा हुआ है यहाँ पे। साउंड सुनो आप लोग बड़े ध्यान से, ये देखो यहाँ पे भी थोड़ा जमा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये आवाज़ सुनिए आपने, पत्थर एकदम से गायब हो गया कांच के बीच में, ये पूरा सेक्शन जमा हुआ है ये वाला। यहाँ पे इतनी हवा चल रही है कि यहाँ पे अगरबत्ती जलाना भी टास्क है, पर फाइनली अगरबत्ती जल गई, अब हम पूजा कर सकते हैं इस अगरबत्ती से। Thank you.
इतनी दूर आ चुके हैं तो हमने पार्वती सरोवर का तो पानी ले ही लिया है, अब समय ये वाला पानी ले जाने का घर को, तो ये वाला पानी भी थोड़ा जमा कर लेते हैं। काफ़ी इतना पानी मेरे ख्याल से, तो अभी यहाँ पर अनुदा के अलावा और मेरे वाला कोई नहीं है भाई। यहाँ पर जो लोग आए थे वो भी अभी नीचे जा चुके हैं, अभी एकांत शांत है एकदम। अभी जो है मैं यहाँ पे, अनुदा और यहाँ पे गौरीकुंड और आदि कैलाश भाई, बहुत ही बढ़िया सीन है। ठंडा धीरे धीरे बढ़ने लगा है, 5-10 मिनट यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि आज हमें वापस निकलना है उसके बाद गुंजी की तरफ, है ना। थोड़ी देर ध्यान करते हैं और बस। अभी हो गया बहुत ज़्यादा ठंडा, सही बताऊँ तो अभी समय नीचे निकलने का। अभी हम नीचे जाते हैं, कुछ खाते हैं और उसके बाद हम सीधे निकलेंगे अपनी बाइक पे। हमने कुटी में जहाँ हम रुके थे कल, वहाँ पे थोड़ा सामान छोड़ा अपना, बड़ा वाला जो बैग है वो हम बाइक में लगेज अपना बांधते हैं, फिर उसके सीधे पहुँचते हैं आज गुंजी। यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चली है कसम से। एक बार और आपको नज़ारा दिखाता हूँ 360। ये देखो, ये है नज़ारा कुछ ऐसा, ये देखो है ना। तो अब चलते हैं सीधे नीचे की तरफ। तो भाई अभी हम ट्रैक डाउन करके आ चुके हैं नीचे, और आप लोग नोटिस करोगे तो मैं हो चुका हूँ पूरा पैक, मैंने पहन लिया जैकेट, यहाँ हो गए ग्लव्स, और ये इधर की तरफ से हम आए पूरा ट्रैक डाउन करके, भाई अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। और अभी चलते हैं सीधे नीचे, कुछ खाते हैं, और ठंडा बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में, या फिर जब हम गुंजी पहुँचेंगे तब मिलते हैं आप लोगों से। बाय।